देखो किसान भाइयों, अब सारा खेल आलू का सिर्फ सिर्फ बरसात पे डिपेंड है। जैसे कि बरसात गुजरात में हुई बहुत ज्यादा, उस वजह से 200 रुपए क्विंटल का उछाल। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के भी जिलों में बरसात हो रही है। कानपुर मंडी में आज सोमवार को 100 रुपए क्विंटल पर उछाल। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं क्या कुछ सीन है। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। किसान साथियों, आज दिनांक 2 सितंबर 2024 है। जैसे ही सितंबर चालू हुआ वैसे ही आप लोगों के लिए हर जगह से शुभ संकेत आना शुरू हो गए हैं। तो भाई साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ और आने वाले समय में आप सभी किसान भाइयों को बहुत अच्छी खुशियाँ आपके गोद में मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि अब आलू के भाव में तेजी आने से कोई नहीं रोक पाएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में बता रहा हूं, आज 2 सितंबर से ही, चाहे वो आप जयपुर की मंडी ले लो, चाहे वो आप कानपुर की मंडी ले लो, चाहे वो आप गुजरात के एरिया में चले जाओ, गुजरात के एरिया में लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल पर उछाल है। और आपका अगर कानपुर की मंडी की बात करोगे 100 रुपए क्विंटल का उछाल है। जयपुर में बात करोगे तो आज वहां पर भी लगभग 100 रुपए क्विंटल पर उछाल है। अदरवाइज जो मंडियां और हैं, जैसे कि चेन्नई मंडी, मुंबई मंडी, पुणे मंडी, महाराष्ट्र मंडी, इत्यादि जितनी मंडियां और हैं ना, ये मंडियां थोड़ा लेट चलती हैं और इनका भाव थोड़ा लेट मिल पाता है। लेकिन इससे पहले आप सभी किसान भाइयों को कानपुर मंडी का अपडेट जो देना था, तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा करिएगा, और अगर अभी तक आपके अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों से बस यही चीज़ मांगते हैं कि आप लोग मुझे इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आलू मंडी कानपुर से। आलू मंडी कानपुर की अगर बात की जाएगी तो आमदनी आज यहाँ पर लगभग 30 मोटर के आसपास की है, 30 से 35 मोटर होगी भाई। तो अभी फिलहाल में आप लोगों को पता है कि हर जगह पर घबराहट थी, घबराहट के चलते कोल्ड स्टोरों में ना ही तो कोई बिक्री करने वाला था और ना ही तो कोई खरीदार था। इस वजह से मंडी में आमदनी थोड़ा कम पहुंची है, उसी वजह से आज मंडी में 100 रुपए प्रति क्विंटल पर उछाल देखा गया है। आज कानपुर मंडी में ख्याति पुखराज आलू जो है नीचे में 1700 रुपए और ऊपर में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। और आगरा वाला जो बढ़िया वीआईपी आलू आता है, आगरा वाला 37-97 आलू का भाव जो है 2200 से लेकर के 2300, और बढ़िया सुपर एक्स्ट्रा है वो आपका 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो जाएगा। साथ में ये भी पता चला है कि आपका हाइब्रिड आलू यहाँ लोकल का होगा तो आपका ऊपर में बढ़िया 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो जाएगा। अभी लाल गोल वाले आलू की बात की जाएगी तो लाल गोल वाले आलू यहाँ पर 2100 से लेकर के 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे न्यू हाईलैंड आलू के, तो न्यू हाईलैंड आलू 2300 से लेकर के 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर एक्स्ट्रा कोई बढ़िया है उसका अलग भी भाव देखने को मिल सकता है। जी फोर श्रीनाथ की बात करेंगे तो वो आपके 2300 से लेकर के 2500 ऊपर में 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो रही है। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात गुजरात की करें, गुजरात में लगातार कई दिन से बरसात हो रही है, बरसात के चलते गुजरात में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस चलते जो मंडियों में गुजरात का आलू आ रहा था, अब उस आलू को भी आने में दिक्कत हो रही है, वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। इस वजह से अभी जो है वहाँ पर ख्याति पुखरा जो आलू हैं आपके बिकते हैं 2200 से लेकर के और 2500 रुपए प्रति क्विंटल पुखराज आलू गुजरात में। और आपका ज्यादातर जो आलू है पुखराज वो आपके 2000 रुपए से लेके 2200 ऊपर में 2300 बिकते हैं, सुपर एक्स्ट्रा 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो सकते हैं। क्याती आलू आपके भाई इसी में शामिल है, 2200
2300, 2400, 2500। बादशाह आलू की बात करी जाएगी तो बादशाह आलू 2800 से लेकर के 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है गुजरात में। गुजरात में जो आलू की निकासी है वो आपकी 50 से 53% तक हो चुकी है। बात कन्नौज की, कन्नौज में आलू की निकासी 40 से 42% हुई है। आलू की बिक्री कोल्ड स्टोरों में नहीं हो रही थी। किसान भाइयों को समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलू में तेजी तो आएगी, लेकिन आप लोगों को सावधानी से और होशियारी से अपने आलू की बिक्री करनी है समय मिलते ही। अभी फिलहाल में कन्नौज एरिया में जिन जिन कोल्ड स्टोरों में बोली लगना स्टार्टिंग हुआ था और डाउन बाजार दबे होने के चक्कर में आलू की बिक्री जो है कैंसिल हो गई थी, उनमें बगैर दिन आलू की बिक्री होना शुरू हो गई। मतलब आज दिन नहीं है लेकिन फिर भी बिक्री हो रही है, क्योंकि बाजार में इस समय लेबाल है और बिक्री थोड़ा हल्की हो रही है, तो उस वजह से बाजार में डिमांड थोड़ा बढ़ गई है और आपको इस समय बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। अभी जो है कन्नौज में जो आलू के भाव है नीचे में भाई 750, ऊपर में 800 और कोई सुपर वीआईपी है तो 830-840 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से भी आलू की बिक्री होना स्टार्ट हो गया है। ये किसान के दाम में लाल गोल वाले 800 से लेकर के 900 रुपए प्रति पैकेट किसान के दाम में, न्यू हाईलैंड आलू आपका 1000 रुपए से लेकर के 1100 रुपए प्रति पैकेट किसान के दाम में, ये भाव अब छिबरामऊ क्षेत्र, गुरसाईगंज क्षेत्र, कन्नौज क्षेत्र के हो गए हैं और आपको आगे भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव होना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये उम्मीद आपसे मेरी है, क्योंकि जैसे कि उम्मीद जो आप हमसे करते हो ना कि राशिद भाई मुझे भाव बताएंगे ये और जानकारी देंगे, तो वही उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं कि आप लोग भी मुझे जानकारी दीजिएगा आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, जरूर दीजिएगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आज बाजार जो है लगभग कट्टे पे 50 रुपए और क्विंटल पे 100 रुपए प्रति क्विंटल पर आपको हर जगह पर आज तेजी देखने को मिल जाएगी। धीरे धीरे करके जो है तेजी बरकरार रहेगी और मैं तो कहता हूं आप बाजार जो है दबना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके जो है अपनी सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते रहना चाहिए और आगे चल के आप लोगों को जो है तेजी जो थी वो बरकरार होगी और जितना चल रहा था उतने पर पहुंचेगा, बाकी की आगे भी जाने की उम्मीद अब नजर आ रही है। मैं तो कहता हूँ सारा खेल अब बरसात के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसी होगी बरसात वैसे होंगे आलू के भाव, ऐसा मुझे लग रहा है। सारा खेल बरसात के ऊपर डिपेंड है, मतलब जैसी बरसात होती जाएगी वैसा खेल चलता जाएगा। तो अब ये सब कुदरत के हाथ में है, लेकिन फिर भी लग रहा है क्योंकि आलू शॉर्टेज है, आलू शॉर्टेज होने की वजह से भाव आपको अच्छे मिलने चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। यहीं तक नहीं, जो आलू के ज्ञाता हैं, आलू एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तो जानकारी ये भी दी है कि आलू का जो बाजार है